What is pranayam? Any one of you? Pranayam kisko kehte hain? Elements kon kon se hain yoga ke? How many elements are there? Eight elements. ठीक है, उसमें से जो प्राणायाम है वो चौथे नंबर पर आता है. दैट इज रिगार्डिंग द कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग. ठीक है, ब्रीदिंग के कंट्रोल को प्रैक्टिसिंग एंड एक्सरसाइजिंग रिगार्डिंग द ब्रीदिंग, उसे हम कहते हैं प्राणायाम. जिसमें बहुत ही फेमस आपने अगर सुना हो तो वो है अलोम विलोम. ठीक है, टेकिंग द पूरक चक्र रीचक. ठीक है, डीप ब्रीथ करना, उसे स्टे करवाना बॉडी में, उसके बाद रिलीज करना. ठीक है, कार्बन आय, ये क्या है? ये है प्राणायाम. ठीक है बेटा, प्राणायाम की बहुत सारी क्रियाएं हैं. ओके, ठीक है, अलोम विलोम है, भक्ति है, ठीक है ना, भस्त्रिका है, काफी सारी इनमें है जिनमें हम ब्रीदिंग के अलग अलग प्रोसेस करते हैं. Now the question is, प्राणायाम जो है उसको कैसे प्रैक्टिस किया जाता है और क्यों जरूरी है? What are the benefits, advantages, merit, importance of प्राणायाम? ठीक है, इन चीजों के बारे में हमें ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि प्राणायाम है क्या चीज. वो है ब्रीदिंग की एक्सरसाइजेस, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियक सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम को अच्छे तरीके से रखने के लिए. अब है कि इसकी प्रैक्टिस या प्राणायाम कैसे किया जाता है. नॉर्मली जो है प्राणायाम बेटे, वो हमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में करना चाहिए, बाहर खुली हवा में, जहाँ प्रॉपर वेंटिलेशन वगैरह हो, घर के ऊपर छत पर या आमने घर के सामने कई बार पार्क्स होते हैं अच्छे, जहाँ पर बहुत सारे पेड़ लगे होते हैं या ग्रास है. दूसरी चीज ये ध्यान देना है कि जहाँ पर हम बैठ कर प्राणायाम करते हैं वहां पर इंसेक्ट्स फ्लाइज वगैरह ना हो जाना. ठीक है, या नॉइज डिस्टर्बेंस ना हो, क्योंकि हमने माइंड को सेट करना. ठीक है ना, ब्रीदिंग करते हुए, इन इनहेल एक्सहेल करते हुए, स्टे करते हुए हमें टाइम लगता है और ये हमारी बॉडी की या कई सेंसेस को खोलता है. ठीक है, इसलिए एनवायरमेंट जो है इसका स्मूथ होना चाहिए, नॉइसलेस, इंसेक्ट्स नहीं होने चाहिए, फ्लाइज नहीं, ऐसे ना हो सांस ले और चार पांच अंदर चलिया जाए, मुड़के घूम के बाहर आने की गैया कैसे ऐसी, है ना. दिस इज द थिंग, मेन थिंग. देन अ टाइम, द बेस्ट टाइम फॉर दिस इज मॉर्निंग टाइम, क्योंकि उस समय दुनिया का शोर शराबा भी नहीं होता है, सूरज की किरणें जो है निकल रही होती हैं, शांति होती है. ठीक है, और रश वगैरह भी पार्क्स वगैरह में भी कम होता है. उस समय जो है वो सबसे बेटर टाइम, बेस्ट टाइम है प्राणायाम करने का. ये नहीं, खाना खाने के बाद तो हम कोई भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं, लेकिन इसके लिए बेस्ट टाइम, यानी वैसे तो जो भी टाइम मिले हमें करना चाहिए. ठीक है ना, अगर हम मॉर्निंग में नहीं कर सकते या हमारी वर्किंग आर्डर इस तरीके की है दैट वी कांट गेट टाइम इन द मॉर्निंग, तो हम, ये क्यों है, हमारी एयर पूरी बॉडी को क्लीन करने में या नोस्ट्रिल्स वगैरह को क्लीन करने में अलोम विलोम जैसी जो क्रियाएं हैं वो बहुत ही हेल्पफुल होती हैं. अब कहाँ पर बैठ के करना चाहिए? अगर ग्रास पे है उसके ऊपर भी मैटिंग जो है दैट शुड बी अ कंफर्टेबल स्पॉन्ज वन. ठीक है, क्योंकि हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर जो है वो कंफर्टेबल होना चाहिए इसके लिए. अगर वो नहीं होगा तो हमारी काम में, किसी भी चीज के काम में कंसंट्रेशन नहीं बनती, और जब कंसंट्रेशन नहीं बनेगी तो टाइम पीरियड ज्यादा लगेगा और आउटपुट हमारी कम होगी. ठीक है, फिर कौन कौन से ऐसे आसन हैं जो हम प्राणायाम के लिए करते हैं? ऐसे कौन कौन से आसन हैं जिनमें हम प्राणायाम कर सकते हैं? पद्मासन है, सुखासन है, वज्रासन है, ये ऐसे आसन हैं जिनमें हम बड़ी आसानी से इनको, इन चीजों को हम आसानी से कर सकते हैं, ये क्रियाओं को, प्राणायाम को. ठीक है, अब ये हमारे अंदर की सांस को अगर ठीक रखती है तो इसका मतलब हमारा हार्ट रेट भी अच्छा होगा, वाइटल कैपेसिटी भी बढ़ेगी. ठीक है ना, ऑब्वियसली हमारी कंसंट्रेशन,
माइंड को ब्लड जाने की जो सोर्सेज हैं वो बढ़ जाएंगे, कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी, कैपेसिटी जिसे हम बोलते हैं, ठीक है ना, स्मूथ हो जाएगा वर्किंग, फ्रेशनेस आ जाएगी, लेस फटीक होगी और हमारा काम जो है वो बहुत आसानी से, ठीक है ना। ये चीजें जो है स्ट्रेस लेवल को कम करेंगी। ये प्राणायाम की क्रियाएं करने से होता है। इसलिए प्राणायाम करना, वैसे तो मैंने कई बार बताया कि योगा जो है वो हमारी 80-90% रिकवरी करती है या क्योर करती है प्रॉब्लम्स का, ठीक है। हमारे डाइजेशन में हेल्पफुल होती है, मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाती है, ये प्राणायाम की क्रियाएं जो हैं, क्योंकि जहां जहां ब्लड जाएगा हमारी वर्किंग जो है वो अच्छी होती जाए, ठीक है बेटा। अब दूसरी चीज आती है इसी में कि निद्रासन जो मैंने बताया था आपको, या योगिक क्रियाएं होती हैं इनमें, वो किस तरीके से की जाती हैं, नेत्री है, जल की है, घी की है, धोती है, कितनी सारी है जो आसानी से हमारी इंटरनल जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको क्लीन करने में हेल्पफुल होती है, ठीक है। अब दूसरी क्रिया है इसी में, दूसरा है मेडिटेशन। मेडिटेशन क्या चीज होती है, कोई बताएगा बेटे, मेडिटेशन किसे कहते हैं, व्हाट इज मेडिटेशन? नाम भी रोज सुना है, मेडिटेशन कर रहे हैं मेडिटेशन, पर मेडिटेशन हमें नहीं पता कि क्या है। ध्यान करना, सेवंथ पार्ट, क्योंकि हमारे एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, यमा, नियमा, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्याना, धरना, ध्याना और लास्ट में समाधि। बिफोर द समाधि मेडिटेशन, ठीक है, जहां पर हमारी सोच वर्ल्ड सोच को खत्म करता है, ईश्वर की तरफ लेके जाता है हमें आसानी से, ठीक है। मेडिटेशन स्पिरिचुअल है, जो हम जिसमें हमारा थॉट प्रोसेस उसके साथ अटैच होता है, हम आराम से कर सकते हैं अपनी कंट्रोलिंग ऑन सेंस, सेंसेस जो है हमारी उन पर कंट्रोल करना, कंसेंट्रेशन को बढ़ाना, ये सारी चीजें जो है वो किससे होती हैं, मेडिटेशन से। मेडिटेशन कब कर सकते हैं हम, जैसे प्राणायाम करते हैं इसी तरीके से मेडिटेशन भी, हमने कुछ आसन है जिसके द्वारा हम आसानी से करते हैं, ठीक है। इसमें एक योग निद्रा भी है, जो स्ट्रेस फ्री रहता है इंसान, या उसमें क्या होता है हम लेट कर इस क्रिया को करते हैं, निद्रा योगिक क्रिया, जिसमें पहले अपने आप को पहचानते हैं, अपने पूरे बॉडी वॉय पार्ट्स को चेक करते हैं इंटरनल कंसंट्रेशन के साथ, क्योंकि यह हमारी कंसंट्रेशंस को बढ़ाते हैं। योगा जो है वो इसीलिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। आउटरली पार्ट को खत्म करते हैं, इंटरनली जो है उसकी लुक देता है, हाउ टू कंट्रोल आर विशेस, क्योंकि हर तरफ मन जो है वो हर समय हर जगह भागता रहता है, उसे कैसे कंट्रोल में जाया लाया जाए, क्योंकि हम नॉर्मली तो सुनते हैं लोग बोलते हैं मेडिटेशन कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, इज इट इजी टू मेडिटेट, दिस इज द सेवंथ स्टेप ऑफ एलिमेंट, इसे करना इतना ध्यान धरना, पहले उसको आराम से रखो उसके बाद उसका लगाओ, इट इज नॉट अ इजी जॉब, ठीक है बेटा। ये बहुत ही टफ वे है, लेकिन इसके द्वारा हमारी हर तरीके की कंट्रोलिंग जो है वो बड़ी आसानी से हो जाती है। हमारी जो बॉडी में फटीग होना, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी, एग्रेसिवनेस, हर काम में एग्रेसिवनेस लोगों में होती है, हमारा जो लाइफस्टाइल है वो इन चीजों को खराब कर रहा है, तो हमें मेडिटेशन या योगा या ये चीजें बड़ी जल्दी करनी चाहिए। ये दिस इज अ एग्जाम्पल कि हमारी कंसेंट्रेशन कितनी है टूवर्ड्स दिस, ठीक है। और ये हर एक की अलग अलग तरीके से होती है, ऐसी बात नहीं है बेटे कि सिर्फ और स्टेप बाय स्टेप यू कैन अटेन दिस पोजिशन, एक तरीके से हो या इतनी जल्दी ये पोजिशन नहीं ली जा सकती है। ये हमारी है एजिंग को हमारी कंट्रोल करने में योगा बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। एजिंग, बुढ़ापा जिसको कहते हैं, ठीक है ना।
उसे कैसे कंट्रोल में ला सकते हैं? उम्र ने चलना है, उम्र तो अपने साथ चलेगी, डे बाय डे, मिनट बाय मिनट, सेकंड बाय सेकंड, वी आर गेटिंग ओल्डर, लेकिन हमारा थॉट प्रोसेस, हमारे फेस पर चमक, जब मेडिटेशन होता है ना जो करते हैं, उनका लाइफस्टाइल बिल्कुल डिफरेंट होता है, उनका थॉट प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट होता है, उसकी फिजिकल और मेंटल अपेयरेंस बिल्कुल डिफरेंट होता है। व्हाई? बिकॉज दे आर अवे फ्रॉम दिस वर्ल्ड, उनको कोई लेना देना नहीं होता है, ये नहीं काम वो करते हैं, ये नहीं कह रहा कि दुनिया के काम छोड़ के कोई काम होता है, हर काम हर एक्टिविटी को करते हैं, दे डू देयर रूटीन जॉब, बट देयर टोटल कंसेंट्रेशन टूवर्ड्स द गॉड। ठीक है, ये हमारा टॉपिक था कि प्राणायाम और मेडिटेशन क्या चीजें होती हैं, ठीक है, और किस तरीके से की जाती हैं। अब योगा के उसमें मैंने उस दिन आपको एक चीज बताई थी और कहा था कि मुझे बता देना बेटे कि डीफॉर्मेटी के बारे में मैंने आपको बताना है, ठीक है ना, जब योगा का आया था चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था उस दिन मैंने कहा था बेटे डिफॉर्मेटीज के बारे में मैं आपको बता दूंगी कि हेल्पफुल इन रिमूविंग द डिफॉर्मेटी। अब ये वर्ड सुना हुआ है आपने, इसके बारे में आपको ज्ञान है कि नहीं है? कभी सुना ये वर्ड डिफॉर्मेटीज? रिलेटेड टू फिजिकल एजुकेशन, रिलेटेड टू यू पीपल, नॉट यू, विद एवरीवन। बेटे फॉर्मेशन है हमारी बॉडी की, डायग्राम पे मत जाना, ये सिर है, ये पैर है, ये हाथ, हमारी बॉडी स्ट्रेट है, ये हमारे शोल्डर्स, ठीक है, शोल्डर्स के साथ ही हमारे हैंड अटैच होते हैं, ठीक है, दिस इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ बॉडी। अब इनमें डिफॉर्मेटिस किस तरीके से होती है, कैसे आती हैं हमारे अंदर डिफॉर्मेटिस, या हमारे शरीर की बनावट कैसे बदल जाती है, ठीक है, इसके कुछ फैक्टर्स हैं बेटा, एट द टाइम ऑफ बर्थ, हेरिडिटरी, और डाइट, लिविंग स्टाइल, और क्लोथ्स जिसे हम फैशन में लेते हैं, और कुछ चीजें जो हमारी सराउंडिंग एनवायरनमेंट है वो भी हमें देती हैं। ये सारी चीजें हमारे शरीर की बनावट को अच्छा करने में भी और उसे डीफॉर्म करने में भी हेल्पफुल होती हैं। एक्से बाय बर्थ और एक्सीडेंटली, दैट इज डिफरेंट थिंग। जो हमारे हाथ में है वो कौन सी चीज है, वो है बैलेंस डाइट, व्हाट टाइप ऑफ फूड, क्योंकि पुराने जमाने में या जो योगिक होते थे ना, उन्होंने कुछ चीजों को डिस्कार्ड किया हुआ था कि ये चीजें नहीं खानी चाहिए, हमारी बॉडी में एग्रेसिवनेस लाती हैं, या ये चीजें लाती हैं। स्टार्टिंग में लोग जो थे पहले, उनके ईटिंग हैबिट्स जो थी वो डिफरेंट थी, सूर्य छिपने से पहले या अर्ली डिनर कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद डाइजेशन जो है वो लेट होती है, और आजकल हमारे रिवाज बन गया है शादियों पे जाना 12 बजे भी खा लो, और फिर खाना भी आराम से जितना मिल रहा है ना, कोई रह ना जाए, इट्स अ फैशन, ठीक है ना बेटा, ये किसी एक के लिए नहीं, दिस इज वेरी नेचुरल, तभी मैं आपको समझाने में इजी वे बता रही हूँ। जबकि असूलन या बाहर के लोग जो हैं, यूरोपियन कंट्रीज के स्पेशली, वो 7:30 बजे के बाद रात को कुछ नहीं खाते और लाइट चीजें खाते हैं, और हमारे यहाँ पर भी कई लोगों ने अपना लाइफस्टाइल चेंज किया है, क्योंकि ओबीस होना उसके बाद, या ओवरवेट होना, या उसके बाद बीमारियों को न्योता देना, जो हमारी फॉर्मेशन को गलत कर देते हैं, हमारे शरीर की बनावट को वो भी गलत करते हैं। अब ये है कौन कौन सी डिफॉर्मेटीज, उनमें कुछ बाय बर्थ है, जेनेटिकल है, इलनेस के कारण है, वो है नॉक नी, कभी सुना है नाम? कई बच्चों के या कई लोगों के आपने पैर देखे होंगे, वो घुटनों से जुड़ रहे होते हैं, और उसके बाद उनके पैर जो हैं वो अवे फ्रॉम, अपार्ट होते हैं, पैर यहाँ पर थाई से जो पोर्शन आता है वो घुटनों के पास आकर जुड़ जाता है, इसे हम कहते हैं नॉक नी।
एक दूसरे से टकराते हैं, जिसके कारण पहला पर्सनैलिटी में खराबी आ जाती है। लुक वाइज हमें खुद को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ये रहता है। दिस इज ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन डी, माल न्यूट्रिशन या प्रॉपर डाइट जो हमें रिक्वायर्ड है उसके कारण है। अर्ली स्टेज में बच्चा जब चलना शुरू होता है या उसे पेरेंट्स के एक्साइटमेंट या घर में पहला बच्चा होने के कारण इसे चलाओ इसे चलाओ, वो कई बार ये ध्यान नहीं देते कि वो बच्चे की मसल्स अभी वीक हैं और वो नहीं चल पाएगा। उसे कई बार खुशी में चलाने के कारण इस तरीके की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी है, कैल्शियम है, तभी भी ये प्रॉब्लम्स। ठीक है। और कई बार बच्चा मजाक मजाक में या जस्ट फॉर फन ऐसे काम अर्ली स्टेज में जब करता है तो लेटर उसकी फॉर्मेशन उसी तरीके की हो जाती है। कई बार हम नकल लगाते हैं ना किसी की, देखते हैं और मजाक करते हैं या उसी तरीके से ट्राई करते हैं छोटे होते हैं, ये उसके रीजन है। और कई बार ड्यू टू एक्सीडेंटली या इलनेस में भी ये चीजें हो जाती हैं। इससे क्या है, कई तुम जगहों पर सिलेक्ट नहीं हो पाते। सबसे पहले अपने में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है। अब इसको रिमूव कैसे किया जा सकता है, थ्रू योगा आसन्स। एंड इफ यू रिकॉग्नाइज सच टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन अर्ली स्टेज, इसीलिए कहते हैं कि हेल्थ एजुकेशन को पढ़ना बहुत जरूरी है। पेरेंट्स का, पेरेंट्स इन द सेंस जो भी है, उन्हें इन चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है अर्ली स्टेज पे, क्योंकि रेमेडीज इनकी उस समय आराम से हो सके। ठीक है। ऐसा ही एक और प्रॉब्लम है, दैट इज बोलेग। बोलेग का मतलब जानते हो क्या होता है? बो का मतलब क्या होता है? धनुष। इस शेप का होता है ना बेटे, कमान जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पर स्ट्रिंग लगाते हैं हम और तीर छोड़ते हैं। अब कईयों के पैर जो होते हैं ना बेटे, टांगे, ड्यू टू ओवर ग्रोथ या कुछ, उनके पैर जो होते हैं वो खुले होते हैं यहाँ से और पैर जुड़े हुए होते हैं, उनके लिए चलने में बहुत प्रॉब्लम्स आती है। उन्हें भी पर्सनैलिटी के साथ साथ क्लोदिंग में और उसमें, ठीक है। ऐसे ही है फ्लैट फुट। नॉर्मली हमारा फुट जो है बेटा, ठीक है ना, वो क्या है, आर्क है। इसीलिए आपने देखा होगा जूतों में आर्क बने, चप्पलों में आर्क बने होते हैं। व्हाट इज द रीजन? इसमें भी अर्ली स्टेज पे अगर पेरेंट्स इस चीज को चेक या घर के कर लें, बहुत आसानी से ये चीजें चेक हो जाती हैं बेटा, ठीक है ना, क्योंकि हमारे छोटी एज में मसल्स होते हैं, उनको बोन या स्टिफ होने में टाइम लगता है। टिल दैट टाइम यू कैन रिमूव दीज प्रॉब्लम्स इजीली, ठीक है ना। यहाँ पर तो तभी फ्लैट फुट की लेती हूँ, जब बच्चे के पैर गीले होते हैं वो चलते हैं ना, तो निशान या बड़ों के भी हमें पता चल जाते हैं कि आर्क है या नहीं, उस आर्क को बनाया जा सकता है। ठीक है, जैसे बर्फ की बोतल जो है उसके ऊपर उसके पैर को बार बार हिलाने से मसल्स जो है वो शेप ले लेती हैं, रेत में चलाने से, क्योंकि वो फॉर्मेशन उस तरीके की दे सकती हैं। या पुराने जमाने के लोग हम कहते थे पढ़े लिखे नहीं थे, या उन्हें साइंटिफिकली तो नहीं पता था, पर कुछ चीजें वो बहुत सही करते थे कि छोटे बच्चे इन्फेंट्स को वो हमेशा क्या करते थे, आफ्टर गिविंग अ मसाज टू देम, मालिश करने के बाद उनकी पूरी बॉडी को वो बांध देते थे, पूरा लपेट देते थे। उससे क्या होता था, जहां जहां की डिफॉर्मिटी होती थी वो सीधी हो जाती थी, और उसके बाद जब कपड़ा खोलते थे उसका, रस्सी से नहीं बांधते से, मुलायम कपड़े से उसको पूरा रैप कर देते थे, ताकि वो एक तो उसको स्लीप अच्छी आ जाए, और जब उसको खोलते थे उसका सर्कुलेशन बढ़ जाता था, विच हेल्प इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। ये साइंटिफिक चीजें हम जिसको कभी ध्यान नहीं देते या हम हंसते हैं, ठीक है ना, इन चीजों पे। तो इस तरीके से उनकी ये डिफॉर्मिटीज भी रिमूव हो जाती थी जो होती थी। या कभी नॉकनी वाले बच्चे हैं, उनके बीच में हमेशा पिलो रख देते, उससे डिफरेंस आ जाता है। और थोड़ी ये चीजें हैं, फैशन जो है वो हमें सबसे ज्यादा खराब करता है, ठीक है। इन ओल्ड स्टेज, ओल्ड का मतलब एडोलसेंट की बात कर रही हूँ, जो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। यहाँ पर पीयर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है ग्रुप का, मेरे फ्रेंड्स ये कर रहे हैं मैंने ऐसे करना है, हीरो ने ये कह रहा था, हीरोइन का ये था, आजकल ट्रेंड ये चल रहा है, ऐसे होना चाहिए।
ठीक है। शूज जो है, अगर हम प्रॉपर शूज नहीं डालते तो मैक्सिमम हमारी लेग्स की प्रॉब्लम, हमारी चाल की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती है। कपड़े टाइट फिटिंग जो रिक्वायर्ड नहीं है, अगर उससे हम टाइट डालते हैं तो वो क्या करते हैं, हमारे स्ट्रक्चर को खराब करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। इसलिए वेयरिंग ऑफ प्रॉपर क्लोथ्स, सही जूते डालने बहुत जरूरी हैं। ओवर स्टिलेटोस, हील्स वगैरह हमें प्रॉब्लम्स देती हैं, ठीक है। या क्रोकोडाइल शार्प में फोल्ड किए हुए जो शूज आते हैं ना बॉयज के, वो डालने की, ये तो आजकल रिवाज में है। वो रिवाज क्या होता है, वो हमारे स्ट्रक्चर को खराब करने में, हमारी पर्सनैलिटी को खराब करने में, और बाद में